श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। श्रद्धा मर्डर केस ने देश की लड़कियों को डरा कर रख दिया। एक तरफ जहां पूरा देश आज श्रद्धा के लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो वहीं लोग इस घटना से लड़कियों को सीख लेने की बात कर रहे हैं। और अब इस मुद्दे पर बयान दिया है लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने, जिन्होंने श्रद्धा मर्डर केस से सीख लेकर लड़कियों को चीत जाने की सलाह दे डाली है। राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बहुत कम बोलने वाली मालिनी अवस्थी भी श्रद्धा मर्डर केस पर बोलने से खुद को नहीं रोक पाई। अपने कार्यक्रम के दौरान मंच से अपने गीत के जरिए और गीत के बीच में मालिनी अवस्थी ने लड़कियों को सलाह दे डाली। मालिनी अवस्थी श्रद्धा मर्डर मामले से आहत दिखी और कार्यक्रम के बीच मालिनी अवस्थी ने मेले में पहुंची लड़कियों को मंच से नसीहत दिया। आपको बता दें कि लोक गायिका मालिनी अवस्थी मंच से कार्यक्रम करते करते मेले में पहुंची, लड़कियों के बीच पहुंची और बिहार की लड़कियों से बात करते करते उनसे मर्यादा में रहने की बात कही। श्रद्धा मर्डर की तरफ इशारा करते हुए मालिनी ने कहा कि अपने धर्म और परंपरा को छोड़ने और मजाक उड़ाने वालों का श्रद्धा जैसा ही हाल होता है। मालिनी अवस्थी ने लड़कियों को सलाह दी, अपने परिवार परंपरा धर्म और जड़ को पकड़ के नई पीढ़ी को चलनी चाहिए। मालिनी अवस्थी में अपने गाने में क्या कुछ कहा आप सुनिए। बिंदिया सेनूर पायल बिछिया कजरी तीज करवा चौथ सकट सारे व्रत त्योहार पर टीका टिप्पणी आलोचना करने वाली है नई पीढ़ी। लिविन में रहने के क्या अंजाम है देख लो, परिवार परंपरा जड़ पकड़ के चलो मर्यादा में। बिंदिया सेनूर पायल बिछिया कजरी तीज करवा चौथ सकट सारे व्रत त्योहार पर टीका टिप्पणी आलोचना करने वाली है नई पीढ़ी। लिविन में रहने के क्या अंजाम है देख लो, परिवार परंपरा जड़ पकड़ के चलो मर्यादा में। तो श्रद्धा मर्डर मामले में और लिव इन रिलेशन पर मालिनी अवस्थी ने सवाल खड़ा किया और बड़ी बात कह डाली। मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लड़कियों को मर्यादा में रहने की सलाह दी। श्रद्धा मर्डर केस के सामने आने के बाद लड़कियों से लेकर माता पिता तक सब डर चुके हैं और आफताब जैसे दरिंदे से आज लड़कियों को संभाल कर रहने की चेतावनी दी जा रही है। इसी कड़ी में सोनपुर मेले में कार्यक्रम में पहुंची मालिनी अवस्थी ने भी लड़कियों को मर्यादा में रहने की बात कह डाली। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।